अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपको शामी कबाब बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए मैं आधा किलो मटन ली। और उसके लिए देखिए, छोटे डलियाँ होने की वजह से मैं चार ली, अगर बड़ी डली है तो एक लिए, मीडियम है तो डेढ़ डली डालिए। चलिए प्याज चॉप कर लेंगे। देखिए मैं प्याज जो बताई थी चॉप कर ली। अब चने की दाल मैं 10 मिनट पहले भिगा ली थी, जिससे मैं 2.5 मुट्ठी चने की दाल डालूंगी, आधा किलो मटन की। ये देखिए मटन है, अब मैं इसमें 8-10 लहसुन के पोतियां डाल दूंगी और सूखे मिर्चियां डालूंगी। सात सूखे मिर्चियां डाल रही हूँ आधा किलो गोश्त में, और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, 1-2 टीस्पून होता। हल्दी डालूंगी, हल्दी 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून काली मिर्ची के बॉल्स डाल रही हूँ। मैं ये सब मिक्स करूंगी। मैं इसमें पानी डाल के लीड चढ़ा के 1-3 सीटी के बाद निकाल के मैं इसमें नमक डालूंगी और 8-10 बादाम ग्राइंड करके डालूंगी। ये 1/2 बॉल पानी डाल रही हूँ मैं सब गलने के लिए। मैं लीड लगा दे रही हूँ, 3 सीटी के बाद में लीड ओपन करके इसमें नमक और बादाम ग्राइंड करके डालूंगी। ये 20 बादाम है, मैं 10 बोली थी मगर मैं 20 बादाम डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो 10 भी डाल सकते हैं, मगर बहुत अच्छा रेशेदार होता है बादाम डालने से, तो मैं 20 बादाम को पीस लूंगी। फिर 3 सीटियों के बाद जब खोलूंगी तो नमक और बादाम डालूंगी। देखिए 3-4 सीटियों के बाद मैं लिड ओपन करी, देखिए दाल गल गई। अब इसमें अपन नमक भी, जो बादाम बताई थी मैं आपको, डाल बादाम 20 बादाम का पाउडर मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अगर मैं साबित बादाम डाली तो वो पीसे नहीं जाते। तो मैं नमक डालूंगी इसमें, नमक अपन ज्यादा नहीं डालेंगे, 1/2 टीस्पून डाल रही मैं। उसके बाद क्योंकि हरी मिर्ची भी पीस के डालना रहता, हरा मसाला, तो उसमें जो है सो नमक डालना पड़ता है, इसलिए इसमें नमक कम डाल रही मैं। फिर से मैं लीड लगा दूंगी। ये पानी है देखिए, 1-2-3 सीटियां देखिए, एक अंदाजे से जितना पानी रहता वो हिसाब से मैं लीड कवर करके फिर ओपन करूँगी। मैं लीड हटा के देखती हूँ क्या पोजीशन है। चलिए 5 मिनट पूरा सूखा भून देंगे इसको, भून के ठंडा होने के लिए रख के उसके अंदर ग्राइंड करके आप लोगों को बता के बनाते हो बता इसको पूरा मैं सूखा कर दूंगी पानी ने, वैसा पूरा अच्छा भून के। एक 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ मैं, ये ठंडा होने के बाद में इसको ग्राइंड करेंगे। इसमें कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्चियाँ पहले ग्राइंड कर लेंगे नमक डाल के, उसके बाद इसमें मिक्स करके ये पूरा ग्राइंड करके आपको फिर बताती हूँ। ठंडा होना है देखिए, पूरा अच्छा मिक्स कर लेंगे। ठीक है, मीर पुदीना और 4 हरी मिर्चियाँ
ग्राइंड करने के लिए ले ली मैं। इसमें थोड़ा नमक डालूंगी, थोड़ा नमक डालूंगी। देखिए कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्चियां ग्राइंड कर लिए, और ये अब मैं इसमें गोश्त जो भून के रखी थी मैं उसमें मिक्स कर लूंगी। ये हरा मसाला भी जो पूरा पिसे गया उसको पेस्ट मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद अब ये ग्राइंड करूंगी मैं गोश्त को। पूरा मिक्स कर लेके अपन पीस लिए तो पूरे मसाले में पूरा गोश्त में मिक्स हो जाता है। चलिए मैं इसको भी ग्राइंड कर लूंगी। मैं ये ग्राइंड कर ले रही हूँ, पूरा ग्राइंड करके आपको बताती हूँ शामिया बनाते हो। देखिए मैं ये पूरा गोश्त भुनी थी सो ग्राइंड कर ली। अब मैं इसमें 2 चमचे वेनेगर डाल रही हूँ। आप चाहे तो 1 लींबू डाल सकते, लींबू नहीं खाने वाले वेनेगर डाल सकते। मैं पूरा मिक्स कर लूंगी, मिक्स करके शेप बना के शामी का फ्राई करूंगी। तो शेप बनाते हुए भी बताऊंगी आपको और फ्राई करते हुए। देखिए मैं शामी बनाना शुरू कर रही हूँ। हाथ को थोड़ा ऑयल लगा के हथेली में आप जैसे चाहे शेप बना सकते हैं। शामी वो तो अक्सर ऐसे ही रहते हैं। थोड़े ये बनाऊंगी, थोड़े गोल बनाऊंगी, अरे मैं थोड़े वैसे थोड़े ऐसे बनाऊंगी। ये गोल करके खाली ऐसे ऐसे दबा देना, थोड़ा ऐसा करना नहीं तो फिर अपने उंगलियों के शेप आ जाता। देखिए मैं ये बना ली शामी कबाब। अब मैं फ्राई करूँगी पैन चढ़ाई में तवा। अब उसमें मैं थोड़ा ऑयल डाली, ब्राउन जलाना भी नहीं है अपने को, कच्चे भी नहीं रखना है, ब्राउन होना। क्योंकि ये पका हुआ गोश्त है आप इसको ज्यादा नहीं जलाना, बस तो अच्छा कलर दिखना।
इसमें 20 से 25 हो गए। शामी कबाब बनके मटन के रेडी हो गए। मैं जैसा बताया स्टार्टिंग से, आप वैसे ही बनाइए, बहुत लजीज होते, बहुत टेस्टी होते और रेशेदार होते। आप ज़रूर ट्राई करिए बादाम में बनाने के लिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जब भी कोई नई डिश अपलोड करूँगी तो आप तक पहले पहुँचेंगी। चलिए फिर मिलेंगे नई डिश के साथ। अल्लाह हाफिज़।